आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। हर तरफ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड से आम आदमी पार्टी से पार्षद पद की प्रत्याशी रोली श्रीवास्तव, जो हमसे कुछ ही देर में जुड़ेंगी। बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, वहीं जो अन्य दल हैं वो भी पीछे रहने का मौका नहीं छोड़ रही हैं, लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर एक दल, हर एक पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। तमाम मुद्दों को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। हर तरफ सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही वक्त बचा है। उससे पहले सभी पार्टियां जोरों शोरों से दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। बता दें कि सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। बता दें, जो प्रत्याशी है अपने क्षेत्र में जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं। बता दें, निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही वक्त रह गया है। कब जुड़ेंगे? तो अपने खास कार्यक्रम नगर संग्राम में हम स्वागत करते हैं रोली श्रीवास्तव का प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। रोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तो रोली जी, आप पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहती हैं? पहला सवाल मेरा आपसे यही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं लाला लाजपत राय वार्ड से वार्ड नंबर 67 से हूँ, प्रत्याशी हूँ। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप हमें एक मौका दें, ताकि हम अपने क्षेत्र में जो चीज़ें बहुत सालों से नहीं हो पाई हैं, जो विकास नहीं हो पाया, वो हम करेंगे। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग और आपके मतदान के लिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। रोली जी, आपके साथ आपके पति मौजूद हैं, जो एक समाज सेवी हैं, उनका कैसा आपके साथ सपोर्ट है? उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्हीं के सपोर्ट से मैं ये कर पा रही हूँ। मेरी इच्छा तो हमेशा से रही है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, बट होता क्या है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप चाह के भी ये चीज़ें संभव नहीं है कि मैं सबकी मदद कर सकूं या जो ज़रूरतमंद है उनके लिए कुछ कर सकूं, है ना? तो इसके लिए हमें, मतलब मैंने जब जब चाहा है तब तब इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने। और आज यही वजह है कि इनको भी लगता है कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, इसलिए ये इनका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा है। जी मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपकी पत्नी पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी से हम लोग को टिकट मिला है। और अब हम लोग इस क्षेत्र में आ गए हैं, बहुत लोगों को हम लोगों ने सहयोग किया, देखा, लेकिन कोई भी हम लोग की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा।
और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि जब हम लोग अब हम लोगों में से एक में से किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने हम लोग को किया, हम लोगों ने मीटिंग बैठाई और हम लोगों को ये हुआ कि हम में से एक जना अब आगे आएगा, क्योंकि सब लोग को देखा गया किसी ने भी कोई काम नहीं किया, तो अब हम लोग खुद आगे आके ये करना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाएं, जो हम लोग की परेशानियां हैं, मोहल्ले की परेशानियां हैं, उसको दूर किया जाए, और जब वो तभी दूर हो सकती हैं कि जब हमारा हम लोग खुद आगे आए। रोली जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोली जी, आपकी राजनीतिक जीवन की कैसे शुरुआत हुई? राजनीतिक जीवन वही है कि देखिए, मुझे सर केजरीवाल सर जी का जो काम करने का तरीका है और उनके जो काम हैं वो मुझे, और सब जितने भी मैंने देखा है अपने लाइफ में, कि हाँ लोग आते हैं, वादे करते हैं, है ना, और लेकिन आम जनता की जो समस्या है वो समस्या रही जाती है, वो उसका समाधान आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन इनके साथ क्या है सर की पार्टी में, केजरीवाल जी की पार्टी में, कि इन्होंने आम जनता की आम समस्याओं को पकड़ा और उसका समाधान किया है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है, रीज़न रहा है कि मुझे इनकी पार्टी से जुड़ने में मतलब एक लगता है कि हाँ इन्हीं के ज़रिए हम आम जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। रोली जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? आपका आवाज आ रही मेरी मैम, आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है। रोली जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? आपका आवाज आ रही मेरी? मेरा मार्गदर्शक तो मेरे हस्बैंड ही हैं, मैं उन्हीं को देख रही हूँ, और बाकी मैंने, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड हैं तो मैं उन्हीं को ही देखती हूँ, तो मेरे लिए तो वही मेरे मार्गदर्शक हैं। रोली जी, आपकी राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? मैम, चुनौतियाँ तो देखिए वही होता है कि सत्ता में जो है तो आपका सपोर्टर है लोग, बट जब आपका नहीं है कुछ भी यहाँ पे, तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं, हर कदम पे चुनौतियाँ हैं। तो किस तरह की चुनौतियाँ आपको झेलनी पड़ी? बट ये है कि यही है कि मैम देखिए, होता क्या है कि जब हमें कुछ चाहिए, जब हमें सरकार से कोई मदद चाहिए, तो वो हम बहुत कोशिशें करते हैं बट वो नहीं हम पूरी कर पाते हैं, कि अब राशन को लेके हुआ कोरोना के टाइम पे, कि हमें राशन, गरीबों की मदद मैंने करनी चाहिए, तो मैं अपने से जितना कर सकती थी वो मैंने किया, लेकिन मैं बहुतों की नहीं कर पाई क्योंकि वो सरकार से हमें नहीं मिल पाया, हमने कोशिशें करी लेकिन हमें नहीं मिला, है ना। सड़कें हैं, सीवर हैं, अब लोग आते हैं बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही, हमारे घर के सामने नाली बह रही है, तो उसके लिए भी प्रयास किया गया कि हाँ जो मौजूदा है पार्षद है कि आप देखें, आके करें, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। तो जो अभी आपके क्षेत्र में मौजूदा पार्षद है, उनकी कार्यशैली कैसी है रोली जी? जी, हमारे क्षेत्र में अभी बीजेपी के ही हैं जी, तो उनका अब उनका भी लोगों में जो मैंने कन्वेंसिंग के दौरान देखा, और पर्सनली भी, जो पर्सनली तो है ही है इश्यूज, लेकिन लोगों से मिलने के बाद भी जो समझ में आया कि लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोगों के घर के सामने पार्कों में कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग लाइटें नहीं जल रही हैं, तो लोगों का होता है भाई आप आते हैं वोट मांगते हैं और उसके बाद फिर सब चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, तो ये और हर जगह सुनने को मिला, और ये होता भी है, हमारे घर के सामने पार्क ही नहीं है, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं, पार्कों में कब्जे होके रखे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और सबके ही साथ हैं।
राहुली जी, आप आम आदमी पार्टी से नाता रखती हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? जी, अनुभव तो इनके साथ बहुत अच्छा ही रहा है और जी, हमारी पार्टी जो है इनका यही है ही कि हमें जो समस्याएं रोज की हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं पे तो जाना पहले दूर की बात होती है, लेकिन जो समस्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है उसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, वो इन्होंने किया है, तो इससे ज़्यादा अनुभव वरना आपको क्या बता सकती हूँ। रोली जी, लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं आप, अभी वार्ड में कौन सी बड़ी समस्याएं देखती हैं? जी मैंने, हाँ हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा तो मैं जब गई तो लोगों के यहाँ पार्क में कुछ है ही नहीं जी। मतलब लोग जो है वो यही है कि यहाँ लाइट तक नहीं जल रही है जी। गेट टूटे पड़े हुए हैं, सड़कें बनी ही नहीं है बहुत टाइम से, अंदर अंदर की जो ऊपर ऊपर की सड़कें हैं वो तो मुझे लगता है दिखाने के लिए बना दी जाती है, बट अंदर जाइए आप तो वहाँ पे सड़कें सालों से खुदी ही पड़ी है, नाली से पानी बाहर बह रहा है जी, समस्याएं तो है ही। मैं मनीष जी, एक सवाल मेरा आपसे है, आप लोग किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? आपको आवाज आ रही मेरी? मनीष जी, मेरा सवाल आपसे है, जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं आप लोग? निकाय चुनाव की सरगर्मियां पड़ने लगी हैं, सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच वोट की मांग कर रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ रोली श्रीवास्तव और मनीष श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी, मेरा सवाल आपसे था कि जनता के बीच आप लोग किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच हम लोग एक तो सफाई, जो हमारे बीच में, जो हमारे वार्ड में सफाई नहीं है उस सफाई के मुद्दे को लेके जा रहे हैं। दूसरा हाउस टैक्स, जो हमारा वो एजेंडा है, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, इन एजेंडे को लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं जी। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वार्ड में क्या समस्याएं हैं, और अगर जनता आपको मौका देती है तो आप लोग क्या कुछ करेंगे? किस चीज को? शिक्षा को लेकर जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। देखिए, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, हेलो जी जी, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनकी जो जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना है, वहाँ पे किताबों की व्यवस्था करानी है, वहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी डेस्क नहीं है, अच्छे फर्नीचर्स नहीं है, वो चीज़ सही करानी है। और जो 25% कोटा होता है इस बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, वो कोटे को हम लोग को इम्प्लीमेंट कराना है कि ये जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं, उनका एडमिशन हो सके और उनको बच्चों को पढ़ाई करवाई जा सके क्षेत्र में। और जब जनता मुझे जीतने का मौका देती है तो मैं ये सब कामों पे वर्क करूँगा। जो अवैध कब्जे हैं, लोगों ने पार्कों में कब्जा कर रखे हैं, वो चीज़ देखनी है हम लोग को।
प्लस सीवर जो है नालियों से अटैच हैं, वो सीवर की निकासी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नालियों की निकासी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसको दूर करना है। इन सब क्षेत्र की बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। आप लोग आम आदमी पार्टी से नाता रखते हैं, तो अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं? जी, कंपटीशन में तो हम लोग जैसे अब रनिंग जो पार्षद हैं हमारे राघोराम तिवारी जी, हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं क्योंकि भाजपा से हैं और भाजपा का तो वोट बैंक पहले ही से रहता है और हम लोग अभी नए हैं, फाइट कर रहे हैं, तो हम लोग की लड़ाई तो उन्हीं से है। तो क्या लगता है आपको जनता का कितना साथ मिलेगा? जी, जनता का साथ हमें पूरा मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि भाई अगर काम हुए होते, जनता भी परेशान है, उन लोगों ने काम नहीं किए हैं। अब हम लोग को एक हम लोग नई उम्मीद नई राह के साथ आए हैं, तो हम लोग नए हैं, हम लोग को एक बार मौका दे जनता, एक बार कोशिश करे जनता, मौका दे। रोली जी, अभी आपने कहा कि आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच गई हैं और उनकी समस्याओं को आपने जाना है, आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका कारण क्या है? मुझे अगर लोग चुनते हैं तो मैं, मुझे उनके लिए काम करना है, ना कि मुझे खुद के लिए करना है। अभी तक क्या हुआ है कि लोग आते हैं और लोग खुद के लिए करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये चाहत है कि मैं अगर मैं बनती हूँ इस वार्ड के लिए, मैं मुझे चुना जाता है, तो मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, ना कि मुझे खुद के बैंक बैलेंस बढ़ाने हैं, जो कि जनरली लोग जो भी बने हैं इतने सालों में, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं जान रही हूँ, मुझे 15 साल हो गए हैं, तो मैं यही देख रही हूँ कि लोग क्या होता है कि बस अपना अपना तो सबका हो गया जी, बट क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो रोली जी, अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले 5 कौन से वो बड़े काम होंगे जिनको आप करना चाहेंगी? अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले मुझे सारे पार्कों का सुंदरीकरण करवाना है, जो कि जिनकी हालत की एकदम बेहाल चल रही है, जो मुझे खुद भी देखने को मिली और मेरे घर के सामने खुद ही बेहाल है, मैं और क्या ही बता सकती हूँ, तो मुझे वो करना है जी। और नालियों से जो संबंधित है कि नालियाँ भर जाती हैं, बारिश में पानी घर में घुस रहे हैं, वो देखना है। सड़क का तो है ही है, स्कूल्स के लिए है कि बच्चे जो जिनके लिए ये सुविधाएं बनी हुई हैं कि जो बच्चे नहीं जा सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनको गवर्नमेंट के थ्रू जो सुविधा दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, लोग इसी वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो सबसे पहला काम तो वही करना है कि जो है बच्चे स्कूल जाएँ, उन्हें एजुकेशन मिले। जी, अगर देखा जाए क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो गंदगी की होती है, वो कूड़े को लेकर हो चाहे नालियों को लेकर हो, इसको लेकर क्या करेंगी? इसको लेके जो हमारे अंतर्गत आते हैं अधिकार हैं जो हमारे जो होंगे, और उन पे उनको देखा जाएगा, जो कर्मचारी जो काम करने वाले होते हैं उनको देखा जाएगा कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं जी, तो उस पे वर्क किया जाएगा। रोली जी, आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगी? कोशिश वही है कि भाई जनता मौका देगी तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है जी, और विकास यही सारे करने, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो हमारे अधिकार के अंतर्गत होंगे वो सारा विकास होगा इसमें, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स की प्रॉब्लम हो। क्या लग रहा है रोली जी, कितना आप जनता का विश्वास जीत पाएंगी? कोशिश मेरी पूरी है और जनता का सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है, मैं जा रही हूँ डेली ही, हम लोग निकलते हैं, और पहले से भी मेरा था, ये नहीं है कि अभी इलेक्शन की डेट आई है तो हम निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं पहले से भी अपने जो भी
क्षेत्र में अपने अंदर का जो भी लोग होते थे तो उनका सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा है, क्योंकि मैंने कोशिश हमेशा से ये मेरी मैंने चाहा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ और कोशिश करी है अपने लेवल पे जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है। तो उससे भी लोग मुझसे पहले से भी बहुत है कि हाँ नहीं आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए, तो लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। रोली जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अपने क्षेत्र वासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप मुझे एक सिर्फ एक मौका दीजिए, आपके सहयोग से ही मैं कर सकती हूँ और कर पाऊँगी। तो आपने सबको देखा है अभी तक, आपने कांग्रेस को भी देख लिया है, भाजपा को भी देख लिया है, सपा को भी देख लिया, एक मौका आप हमारी पार्टी को दीजिए, हमें दीजिए एक मौका दीजिए। फिर आप अब कह पहले से तो लोग वादे बहुत करते हैं, लेकिन मैं पहले से वादा नहीं करना चाहती हूँ, पहले आप हमें मौका दीजिए और फिर आप हमारे काम देखें। मनीष जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि महिला शक्ति एक बार लड़ रही हैं, एक लौती महिला प्रत्याशी हैं रोली श्रीवास्तव जी, तो इनको एक मौका दें और महिलाओं को मजबूत करें और इनको जिता के लाएं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई रोली श्रीवास्तव से, जो राजधानी लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड से आम आदमी पार्टी से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आपने सभी दलों को मौका दिया, एक बार हमें भी मौका देकर देखें। तो अभी के लिए नगर संग्राम में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।